अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। लालू जी तो वैसे नेता थे हैं जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का काम करे। 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार एनडीए तोड़ने का काम करे। साथियों, दो दिन पहले एक नेता के पिताजी की हत्या हुई, हत्यारा कौन था समझ गए? और लोकतंत्र की हत्या रात के 2 बजे मॉस्को से दस्तखत करा के राष्ट्रपति से, और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला कोई दूसरा नेता नहीं था, यही लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुआ कर। कि अभी तक देश में मात्र 5 शहरों में मेट्रो हुआ करता था 2014 में, आज देश के 20 शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है और 7 में मेट्रो दौड़ रहा है। यह नरेंद्र मोदी जी का विजन स्पष्ट तौर पर। इसलिए साथियों, हम आग्रह करेंगे, आप तमाम लोग लग जाइए इस प्रदेश में एक एक चीजों को कैसे स्थापित करना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि कानून का राज खत्म हो रहा है, अरे उनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। लालू जी या लालू जी के परिवार को अपराध पे बोलने का अधिकार है क्या? अधिकार है? लालू जी तो वैसे नेता थे हैं जो नेता मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम कराने का काम करते थे। इसलिए साथियों, और आज एकदम स्पष्ट तौर पर सभी लोगों को बताइए कि आज एकदम स्पष्ट है कि बिहार में किसी भी स्तर पर कोई क्राइम होता है तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे में हम खोजने का काम करते हैं। और आज देखिए, 2 दिन पहले एक नेता के पिताजी की हत्या हुई, हत्यारा कौन था समझ गए? हत्या करने वाला कौन था? और उनका परिवार का ही लोग ही निकला। आप सोचिए साथियों कि लोगों को यह पता ही नहीं कि अपराधी कौन है। अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इस प्रदेश में गुंडागर्दी कराने वाला नेता, भ्रष्टाचार के प्रतीक, इस लोकतंत्र के हत्या करने वाला कोई नेता है तो वो लालू प्रसाद है। याद कीजिए, 2005 में एनडीए की सरकार बनने वाली ही थी, राष्ट्रपति मॉस्को में थे, रसिया में थे, और लोकतंत्र की हत्या रात के 2 बजे मॉस्को से दस्तखत करा के राष्ट्रपति से, और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला कोई दूसरा नेता नहीं था, यही लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुआ करते थे। और लालू जी बहुत चर्चा करते हैं बहुत बहुत बार कि बिहार के विकास के लिए केंद्र की सरकार मदद क्या करती है। आप याद कीजिए साथियों, जब इस बिहार का बंटवारा हो रहा था तो श्रीमती राबड़ी देवी ने इसी गांधी मैदान से आग्रह किया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी से, कि हमको सहायता दीजिए। आदरणीय अटल जी ने उस समय 4000 करोड़ रुपया का सहयोग किया, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2001 में 4000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार को देने का काम किया, लेकिन 2005 तक 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। और 2005 के बाद जब एनडीए में आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी, तब वो पैसा विशेष पैकेज के तौर पर जो बिहार को मिला था उसको खर्चा करने का काम नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने किया था। उसी तरह 2004 से लेकर 2014 तक इस देश में लालू जी का धाक चलता था, 22-22 सांसद हुआ करते थे, केंद्र की सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे, कोई पैकेज नहीं मिला, कोई विशेष सहायता नहीं मिला। लेकिन जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए तो आपको याद होगा साथियों, 1,25,000 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज बिहार को देने का काम किया, जिससे आज 4 लेन और सारे जगह हॉस्पिटल्स बनने का काम किया जा रहा है। और आगे भी हमें पूर्ण भरोसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का
पूरा आशीर्वाद मिलेगा और बिहार में जो विकास की गति है इसको दुगनी करने का काम हम लोग सभी साथी करने का काम करेंगे सर। इसलिए आप तमाम विस्तृत कार्य समिति में सभी सदस्य आए, सभी माननीय मंत्री भी बैठे हैं, सभी माननीय विधायक भी बैठे हैं, जिला के अध्यक्ष बैठे हैं, जिला प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं। पूरी संगठन की संरचना नीचे तक और मजबूत करना है और 2025 में संकल्प लेना है कि 2025 के चुनाव में पिछले बार 127 सीट हम लोग बिहार में जीत कर आए थे, इस बार हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार एनडीए तोड़ने का काम करे साथियों। और यह तभी संभव है जब आपका आशीर्वाद मिले। आपके आशीर्वाद से अभी 40 में 30 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया, आरजेडी को 4 सीटों पर रोकने का काम किया और पूरे प्रदेश में हमारे संगठन के लोग लगातार बूथ से लेकर शक्ति केंद्र तक सभी लोग काम करते रहे, जिला स्तर पर सभी बैठ के करते रहे, सारी संरचना हमारी काम। Yeah.